the Sangam. Ha. बोली बोली प्रेम से जगत जननी जगदम्बे भवानी की श्री दाता धर्मराज भगवान की जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक धारी वंदे तू माँ सरस्वती बुद्धि विद्या बल दे तारी तारी सिया बरिरा मी चंद्र शंकर जी ए गुरु तेरे दर्श बिना सुखे सकल शरीर जीओ नैनी अभागा नाही बसे गुरु झर झर यावत नीर नीर सिया मी चंद्र शंकर बोलिए बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बे भवानी की श्री दाता धर्मराज की अपने अपने गुरुदेव स्वामी की परम आदरणीय महानुभव सज्जन वृंदे जीओ भगत लोक गाथा सुनने वाले समझने वाले बिहार झारखंड व नेपाल देश के भक्तजन संतजन गुरुजन एवं शिरोमणि भगत बाबा पजियार बाबा मुलगेन बाबा एवं सभापति बाबा और इस भारत भूमि की गौरव गरिमा बढ़ाने वाली शक्ति स्वरूपा धर्मशिला माता एवं बहनों की चरण रूपी गंगा में हेम नारायण पंजार का क्रोटि क्रोटि नमन है। जीओ। आइए मैं हेम नारायण पंजार पिता श्री दाहू पंजार जो आकाशवाणी गायक दरभंगा एवं पटना रेडियो प्रसारण गायक हैं तो चले सबसे पहले एक देवी गीत सुने उसके बाद प्रसंग की ओर ले चलूंगा। चले एक बार दोनों हाथ उठाकर मां के नाम पर बुलंद आवाज में जयकारा लगावे उसके बाद मां भगवती का झूमर सुनाने का प्रयास करूंगा उसके बाद प्रसंग की ओर ले चलूंगा।
बोला बोलो प्रेम से जगत जननी जगदम्बे भवानी की आये यगना घर निपलिए हे ये बुढ़िया माये वो शरबा हा माये हे निपाइये श्रोता बंधु जी हाँ ध्यान देवे हाँ बूढ़ी माय के हाँ पुतहुआ रानी माले हाँ नहिरा से ससुरार एले बड़ी पवित्र धारा से भोर सवेरे में बूढ़ी माय आखरे गाय के गोगर से आगन के नीप लेलखिन ये जी हाँ आखरे चंदन से गहबर घर के ढोर लेलखिन ये घर आगन जो निपल भाग ले तुरम तैयार भाग ले ये हाँ। माले सन पुतहुआ रानी बूढ़ी माय के हाँ। पुतहुआ जी हो स्नान क्या लेलखिनिये आ पूजा करे के वास्ते गहबर घर के जाइए पूजा करे के वास्ते जे जा रहे ध्यान देवे आहे माले सन पुतहुआ
बाबूजी ओ खींचने हे हो खाचने गेले गाहवारवा हे माँ बहन बाबू भैया सबे अखन सुन रहल छी अहाँ सबे स्वर संगम स्टूडियो यूट्यूब चैनल भागलपुर के माध्यम से गायक के हेम नारायण पंजियार ग्राम बिशनपुर पोस्ट खरगपुर थाना सोनवर्षा कचहरी जिला सहरसा राज्य बिहार हमारे पिता हैं श्री दाहू पजियार और हमारे कोरस में साथ दे रहे हैं दीपक कुमार दुलारा ग्राम पोस्ट दुधैला थाना सोनवर्षा कचहरी जिला सहरसा और हमारे संस्था के मूलगेन शिरोमणि हरिलाल मुलगेन ग्राम पोस्ट हरिपुर सोनवर्षा कचहरी सहरसा और हमारे नाच से कला प्रस्तुत कर रहे हैं वो करताल से प्रसंगत कर रहे हैं श्री भोसो पंजार ग्राम अमरपुर पोस्ट हरिपुर थाना सोनवर्षा कचहरी जिला सहरसा और हमारे नाल से प्रसंगत कर रहे हैं हमारे नाल से प्रसंगत कर रहे हैं मिथुन कुमार है जो कंचनपुर कचरा सहरसा के निवासी हैं
वो हमारे दूसरे नालवादक हैं, धीरज कुमार दमंग, ग्राम अलानी, पोस्ट सलखुआ। थाना सलखुआ, जिला सहरसा। और हमारे पेट वादक हैं मुरलीधर जी, कुर्सेला कटिहार। हम सभी साथी मिलकर स्वर संगम स्टूडियो यूट्यूब चैनल भागलपुर के माध्यम से यह भगत लोक गाथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग शांति का दान देकर भगत लोक गाथा को सुनेंगे और पुण्य का भागी बन पाएंगे। ध्यान देवे बुढ़िया माई जे घर आंगन के निपलखिन रहे, माले सन पुतहुआ रानी हुए, आंगन के खींचने खाचने गहबर चल गए पूजा करे ले। मालिक के व्यवहार के बुढ़िया माई देखे छे। आए माले व्यवहार देखिए, हे यो बाबूसा बाबू सब मन में हे हो करै छे विचार, मालिक के व्यवहार के जे बुढ़िया माय देखे छे, मन में बड़ी दुख होय छे।
जेहो अखनो को समाज में जो हमारे माँ बहन के शादी विवाह भए के नहिरा से ससुराल जाए छे तो ज्ञान पूर्वक कमी होए छे। जो अपना से बड़ा आदमी सासू माय घर आंगन के निपे बरकी दीदी घर आंगन के निपे बरकी ननद जो घर आंगन के निपे ते आंगन में जाए से पहले प्रणाम क्या लियो तबे आंगन प्रवेश करियो आंगन में आगमन होइयो। श्रोता बंधु लेकिन बुढ़िया माय के निपल घर द्वार में मालिक बहुरिया मालिक सन पुतहुआ रानी खींचने खाचने गहबर चल गए आयो वो ही यब पीरोग से हे यो बाबूसा बाबूसा बगहा मैं सुतल हो माय खटबा सोवा बाबू भैया माता बहनी सब ध्यान देवे माँ बूढ़ी जाके वो आंगन में जी खींचने खाच दल के वो बिरोग से जाके गहबर घर में जाके खटबास लाद दल के मालिक बहुरिया मालिक सन पुतहुआ रानी जाके शीतल लिंग गेले शीतल के कल के हे दुलारी माय के की भेल ये किया माय गहबर घर में जाके खटबास लाद के सुत रहल ये की गलती भेल की अपराध भेल ये हमरा से शीतल आ मालिक दोनों भो जाए ननद ननद भो जाए मिल के माय लंग आवे छे सासू माय लंग आवे छे बूढ़ी माय लंग एले कल के माय हे माँ किया तू खटबास लाद के गहबर घर में सुत रहलिए बुढ़िया माँ मुख खोल ही ने भौजी कानै छै
दया नहीं आबे छो के गे मां दया करी माय भौजी काने छे भौजी काने छे दया करी भौजी से कोनो गलती अपराध भेलो ये हेगे सब कियो ते राहुल हन देबे करे छे अगल बगल के लोग सब दाय माय अरोसनी परोसनी सास ननद गोतनी सब कियो तक राहुल हन देबे करे छे माय कौन गलती मालिक केल के जे तू नहीं बोले छी आ नहीं मुख से जवाब करे छी बुरी माय माय भौजी कानै छे जार बेजार माले कानै छे भगवान माय बुढ़िया के कहे माय हे ये सासू माय माता जी की हमरा से गलती भेलै ये हे ये माँ मालत के बानी के सुन के माय बुढ़िया जवाब करे छे हे दुलारी हे के शीतल तू हमरा क्या तू भुकबै छी हे गे सीते धिया हमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक से गोबर आंगन के गोबर के निपलिए रहे आखरे गाय के गोबर से आंगन निपलिए आखरे चंदन से गोबर घर के ढोर लिए वो आंगन के ही स्नान क्या के गोबर आंगन के खींचने खाचने गोबर चल एले हमारे मन नहीं दल के दुलारी के शब्द के सुने छे कल के माय माफ क्या दही आ गई सब केरा गोद गोदी में ललना
श्रोता बंधु जी हो ध्यान देवे शीतल दुआरी कल के माय सबके आंगन में सबके गोद में भाई के जन्मल भतीजा खेले छे। जो माय भाई के जन्मल भतीजा जब काने लागई है भाई के जन्मल भतीजा जब काने लागई छे माहिया हमर साले लागई है। जो हमरो भाई के जन्मल भतीजा रहती है तेहने ने कांती है। ए बूढ़ी माँ जो भाई के जन्मल भतीजा जब हंसे लागई है तो मन बड़ी खुशी होय छे जे हमरो भाई के जन्मल भतीजा रहती है आ एहने हंसती है तो मन कते खुश होती है। हाँ। श्रोता बंधु जी माँ है के बोल ही ने कल के है के शीतल एकर फिरियाद तू हमरा लिंग लगबे ली है एकर कोख के गोहर हमरा लिंग लगबे ली है। आगे खपरी मैं भुजलिए हे गैसी बेटी है गे उखरी आ मैंने गे उठा लिए दुलारी एकर कोक के खपरी में भुजली है आ उखरी में कुटली है। हे के शीतल हे दुलारी आग खेलो याब कोई खके हे गशी
कोना आग के गे गे घुराई बो एक दुलारी हम ख्याल कोख केना के हम घुरेबो नहीं घुरेबो बुढ़िया माइल शीतल आ मालिक दोनों मिल के और कर लाग ले और पसार दल के माय कर फिरियाद लही मालिक बहुरिया जार बेजार काने लागले लौट लौट के काने करियो क्षमा हे सासु ये माए ये पुतहु
चलो आंसू के बीच। भक्त बाबा उदय सौ भगत प्रसंग से सेवा करे छी। चलो सबसे पहले आबो उदय सौ के चारों पूर्वज के बारे में नाम जान लिया, कहाँ के वासी छे आ कहाँ से कते अले। बाबू साहब मगराज से मगराज यानी मध्य प्रदेश से बाबा सुखाय सौ भाग के बिहार राज बेगूसराय जिला सरकार जी हो प्रखंड डेफरा ग्राम उजैनीपुर में आब के सरकार बैस गल जी हो। उस समय में नहीं सरकार बेगूसराय जिला रहे और नहीं उस समय में डेफरा प्रखंड रहे, अन्य सरकार मझोल थाना रहे। वही समय में सरकार मुगल बादशाह के हुकुम चले रहे, मुगल बादशाह के हुकुम चले रहे तो सरकार बाबा सुखाय सौ के जांग से दू गो बेटा जन्म ललके, पहला बेटा मुसाफिर सौ, दोसर बेटा दीन बंधु सौ। मुसाफिर सौ के एगो बेटा भेले दीन बंधु सा, जोगी फकीर बन गेले, बाल ब्रह्मचारी बन गेले ये। तो मुसाफिर सौ के एगो बेटा जकर नाम रूपलाल सौ भेले, आ रूपलाल सौ के फिर एगो बेटा भेले जकर नाम महाजल सौ भेले। महाजन सौ जो उज्जैनी में रह लागले आ राजा मुगल के दरबार पटना दौरी नित दिन जा लागले, नित दिन तोरी लावे राजा के दरबार से आ तोरी लाव के उज्जैनी में आव के चंपावती सहुनिया दोनों प्राणी मिल के घनवार में दे के तेल पेरे आ तेल पेर के फिर राजा लिंग पहुंचा दे। राजा के दरबार में पहुंचा दे, में जे खैर गुंडरा बचे वह बेच के दोनों प्राणी उज्जैनी में गुजर बसर करे रहे सरकार। सब दिन महाजन सौ चंपावती सहुनिया के चौथापन उम्र बीत रहल छे ओय उज्जैनी पुर नगर में। सरकार ओय चौथापन उम्र में नित प्रतिदिन भगवान से आरजू करे, नित दिन चंपावती सहुनिया सूर्य भगवान के अर्क दे ते मन में सोचे जहिना सूर्य के उदय होय छे ने उदय सूर्य के हम अर्क दे छिए, अहिना यदि हमरा बेटा भए जेते त हम उदय नाम राखबे। मन में विचार करे चंपावती सहुनिया जहने सब दिन सूर्य के अर्क दे छिए, नित दिन प्रतिदिन भोर सवेरे के सूर्य के उदय होय छे, यदि हमरा बेटा भए जेते तो हम उदये नाम रखबे जेहने उदय होइ छे। भगवान के कृपा हन भए जाय छे, सूर्य भगवान के हन कृपा भए जाय छे, नित दिन अर्घ दे प्रणाम करे हे विधाता,
हे भगवान कहिया हमरा संतान हेते। परमात्मा के दया दृष्टि एहन भए जाए छे जे सूर्य भगवान के कृपा से चंपावती सोहनिया के गर्भ धारण कै ले छे। एक दिन के बाद से दोनों प्राणी सुतल रहे तो दोनों अपने में विचार करे लागले, स्वामी लागे छे भगवान चौथापन उम्र में हमरा जाग गेलिए, जाग गेलिए, अहां आशीर्वाद दियो। कल के हे सोहनिया सुनो, भगवान के घर में देर होय छे अंधेर नहीं होइए। हे सोहनिया तू नहीं कानी, धैर्य बन के रहो, भगवान के घर में देर छे अंधेर नहीं छे। हे सोहनिया, हे चंपावती सोहनिया, आहे मो नहीं के है लाल सा अपुरैता है सहूनिया सूर्य भगवान तो सूर्य भगवान के कृपा होते न किया तू एक सांस बहावे छो। कल के स्वामी मंदिर सुना एक दीप बिना, नारी सुना एक पुरुष बिना, जल सुना सरोवर बिना, धन सुना एक पुत्र बिना। कल के किया तू दिल के छोट करे छो। सोहनिया भगवान तोरा जरूर ताकते, तोरा मन के मनोकामना के पूरा देते। हे दुलारी नहीं कानी, हे सोहनिया ये धाई राजा ये बां, हे ये बानू ये हे ये दिल में बांधियो, सहूनिया आ हे दिल
है छोट करी ते कहलखिनिये कर्म प्रधान विश्व करु राखा जो जस करी है तस फल चाखा। कर्म प्रधान होय छे तू कर्म नित प्रतिदिन हमर सेवा संस्कार के लिए कर्म बढ़िया करने छो भगवान तोरा फल जरूर देता। भगवान के कृपा भेले ठीक नम्मा महीना में नम्मा महीना सोमवार के दिन यानी सोमवार के दिन रहे चंपावती सहुनिया के गर्व से परमात्मा के दया दृष्टि हन भए जाए छे। 1488 ईस्वी में उदय बाबा के चंपावती की सहुनिया के गर्भ से जन्म होई छे। परमात्मा के दया दृष्टि हन भए जाए छे। जन्म भेले उदय सहु नाम विचार नहीं है रहे जे हम बेटा होते तो हम उदय सहु नाम राखबे उदय नाम राखबे उदय नाम राख दलखिन हुनकर परमात्मा के दया दृष्टि भए जाए छे। श्रोता बाबू ध्यान देवे बड़ी मन में खुशी भेले उमंग भेले महाजन सब चंपावती सहुनिया के कल के हे सहुनिया भेला तोहर मन पूरा कल के स्वामी भए गेले पूरा खुशी के माहौल भेले परमात्मा के दया दृष्टि भए जाए छे। कल के हे सोनिया एकर नाम की राख लो कल के मन में हम राखने छे कर सूर्य देव के पूजा करे रहिए नित प्रतिदिन उदय सूर्य के देखे रहिए कर उदय नाम राखबे उदय नाम राख दलखिन हुनकर जी हां। श्रोता भगवान उदय सौ जो ढेरुआ भेले ढेरुआ जो भेले ते महाजन सौ महाजन सौ वृद्ध अवस्था भए गेलै ये सरकार। श्रोता बाबू बेटा के देख के महाजन सब के मन में बड़ी खुशी होई छे आ बाबा हो मन ये
के एहो मन भेले समाज बाबा अभी यहां से आगे का प्रसंग आप लोग के बीच दूसरे वॉल्यूम में सुनाने का प्रयास करूंगा। अभी आप सुन रहे हैं स्वर संगम स्टूडियो यूट्यूब चैनल भागलपुर के माध्यम से गायक हेम नारायण पंजार, पिता श्री दाहू पंजार, ग्राम बिशनपुर, पोस्ट खड़गपुर, थाना सोनवर्षा कचहरी, जिला सहरसा। और आइए हमारे कोरस में साथ रहे दीपक कुमार दुलारा, ग्राम पोस्ट दुधेला, सहरसा के निवासी हैं। हमारे नाल से प्रसंगत कर रहे हैं मिथुन कुमार, जो ग्राम कंचनपुर कचरा सहरसा के निवासी हैं। हमारे पेट पर प्रसंगत करे हैं मुरलीधर जी, कुर्सेला कटिहार के निवासी हैं। हमारे संस्था के मुलगेन शिरोमणि हरिलाल मुलगेन हरिपुर निवासी हैं। और हमारे दूसरा नाल बाधक है धीरज कुमार दमंग, जो अलानी के निवासी हैं। अगर आपको यह प्रसंग या देवी गीत या भगत लोग अच्छा सुनने में अच्छा लगे हो तो हमारे स्वर संगम स्टूडियो यूट्यूब चैनल को लाल रंग के बटन, लाल रंग के निशान बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल बेल आइकन को जरूर दबावे और लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक कमेंट से ही गाने वाले का हौसला बुलंद रहता है। अगर आप किसी भी शुभ अवसर पर भगत लोक गाथा प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो हमसे सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8298 59 39। एक नंबर है और है
8294 39 81 24। बाबा हो भगवती के हो बस में, हे हो बसइए श्री ठाकुर जी, आहो बाबा दुलारुआ भैया ये सब क्यों सुनबे, ये माँ बहिना ये परमेश सुनबे, उदय बाबा के कहानी के सुनबे, सुनो सुनो ये सुने भैया सुनबे। अबे इससे आगे का प्रसंग दूसरे वॉल्यूम में आप लोग के बीच सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलिए बोलिए प्रेम से श्री दादा लगा।